हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट्स की है ये वीडियो। और इन्वायरमेंट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ईयर वाले क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है अधिनियम होगा, जितने भी अधिनियम हैं वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर करे हुए हैं, और जितने भी ईयर से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इस पर लिए हुए हैं। तो अप्रॉक्स 30+ इस पर क्वेश्चन हैं, तो जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और 30+ में से अप्रॉक्स 5+ ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म है कि मिल जाएगा, ठीक है। पर्यावरण है तो अधिनियम पूछना पक्का ही है। आपने कौन से क्वेश्चन इसके पहले वाले भी जब ये इंक्लूसिव एजुकेशन में देखा था तो उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन से ईयर से पूछे गए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन में आप देखिए ये वाला क्या है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करने से ये फ़ायदा हो जाएगा आपकी थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस, और लिखेंगे तो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारण का प्रारंभ हुआ था तो 1975 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप लोग और कर सकते हैं कि ऐसे कर लीजिए 1970, क्योंकि 70 से लेके 80 के बीच में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 79 का एक रेशियो बना लीजिए और 80 के बाद वाला कर लेंगे, तो इससे मेरे ख्याल से ये रहेगा कि हिंट के तौर पे आप लोगों को मिलता रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन 70 और 79 के बीच में ही है, ठीक है। तो इससे थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, या फिर रिवीजन अच्छा हो जाएगा लास्ट टाइम पे, कि फिर वो रहेगा ना तुक्का जो लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वाले में जो दिया गया है वो है जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम, ठीक है। ये कब हुआ था, 1974 में हुआ था। तो याद रखिएगा पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण का जो प्रारंभ हुआ था 1975 था, और ये 74 हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वन संरक्षण अधिनियम, ये कब पारित हुआ था, तो 1980 में पारित हुआ था। फिर इसके बाद है पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ, ठीक है। तो पर्यावरण बचाओ स्वयं को बचाओ, क्योंकि अभी इस टाइम क्या है, पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए CPCB ने, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने 1 जुलाई को जो पॉलीथीन बैन करा है, ठीक है, जो पॉलीथीन डेली वाली यूज़ होती हैं इसको बैन कर दिया है। तो अब ये पॉलीथीन देखिए जो पेंडिंग मतलब जो बची हुई हैं वो तो हटाई जाएंगी, बट अब क्या है थोड़ा सा रोक लगा दिया जाएगा। बट इस पर क्या बोला गया था, क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। फिर एक तो ये हो गया, प्लस पर्यावरण बचाओ से स्वयं को बचाओ, ये कब पारित हुआ या कब स्टार्ट हुआ था, तो 1990 से 1991 में हुआ था, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, हॉर्न नॉट ओके, ठीक है, हॉर्न जो है सही नहीं है, तो ये कब स्टार्ट हुआ या फिर कब हुआ, तो 3 अगस्त 2018 को हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद है पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी क्लब प्रारंभ किया, तो कब प्रारंभ किया, 1994 से 1995 में पारित किया है। और फिर इसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण से एपीलेट अथॉरिटी ऑफ अधिनियम, तो राष्ट्रीय पर्यावरण से एपीलेट अथॉरिटी अधिनियम है, ये हुआ था 26 मार्च 1997 में, ठीक है। अब रियो वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि रियो सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। और पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र स्थापित हुआ कब हुआ, ये भी 1992 में हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद है स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो 5 जून 1972 में हुआ था। याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, 5 जून 1972 में हुआ था। फिर इसके बाद है यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम्स रिस्क तो रेशंस नामक पहल की अवधि क्या है, तो 2021 से लेकर 2030 है, ठीक है। तो यूएन डिकेड ऑफ ऑन है ये, ऑन इकोसिस्टम्स रिस्टोरेशंस नामक पहल की अवधि कितनी है, तो 2021 से लेकर 2030 है। फिर इसके बाद है पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब हुआ, तो 5 जून से 1973 में हुआ। देखिए जो इजी नोट में दिया गया 1974 है,
तो मैंने नेट से देखा तो इसका आंसर क्या आ रहा था, 1973 आ रहा था, तो 1973 हो जाएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ये तो है इम्पॉर्टेंट, प्लस इसके बाद जो 2022 की जो इसकी थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो क्या है, केवल एक पृथ्वी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर से भी है, तो ये मान के चलिए कि ईवीएस में आपका करंट अफेयर थोड़ा सा आएगा ही। और फिर है जल उपकरण अधिनियम जो पारित हुआ था 1977 में। अब फिर इसके बाद जो कुछ और इम्पोर्टेंट है वो है WHO की स्थापना कब हुई थी, 22 जुलाई 1976 में हुई थी, सॉरी 22 जुलाई से 1946 में हुई थी ये। और फिर इसके बाद है यूनेस्को की स्थापना तो कब हुई थी, 1945 में हुई, ठीक है। तो यूनेस्को पहले हुआ, फिर उसके बाद WHO आया। और फिर इसके बाद दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व चार्टर पारित किया तो कब पारित किया था, 1972 में पारित किया था। और राष्ट्र वन नीति, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कब हुआ था, 1962 में हुआ था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब हुआ, 1986 में हुआ, ठीक है। और फिर इसके बाद है भारत सरकार ने पर्यावरण से विभाग की स्थापना कब करी, ठीक है। तो भारत सरकार ने पर्यावरण की विभाग की जो स्थापना करी है वो कब करी है, 1982 में करी है। और पर्यावरण संरक्षण से अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, 1986 में है ये। और फिर इसके बाद है वृक्षारोपण अभियान, जो वृक्षारोपण अभियान स्टार्ट करा गया था वो कब करा गया, तो 19 अगस्त 2021 को स्टार्ट करा गया था। और फिर इसके बाद है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो हुआ है वो कब हुआ था, 1979 में हुआ था। और पृथ्वी शिखर सम्मेलन से 1997 में। और चिल्का बचाओ आंदोलन ये कब हुआ था, 1992 में। और गोल्डमैन्स पर्यावरण पुरस्कार ये कब हुआ था, 1989 में। और इंदिरा गांधी, ये देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, गोल्डमैन वाला, ठीक है। तो गोल्ड के पर्यावरण से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 हो जाएगा। और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब हुआ था, 1987 में। और फिर इसके बाद टेहरी बांध संघर्ष प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1990 में। और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कब हुआ था, 1978 में। और फिर इसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स जो हुआ था, तो 1987 में। और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब हुई थी, 1952 में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ईयर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं ये, एक बार आप लोग देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण से जितने भी रिलेटेड ईयर्स हैं वो सारे इस पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो भी देखिए ईयर तो याद करने ही पड़ेंगे, अगर ईयर नहीं याद रहेगा तो आपके ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ ईयर नहीं याद होते हैं, देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, अगर एक भी ईयर इधर से उधर हो गया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है जिससे कि थोड़ी सी हेल्प मिल सके। देखिए अब पूरा पेपर तो सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल है, बट कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना कर दें। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये मान के चलिए एनवायरनमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ईयर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी आप लोग की हो सके और अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। धन्यवाद।